बीते दिनी पंजाब विच नगर कौंसल चोना, नगर पंचायत अते नगर निगम चोना तो बाद ताजपोशी नूं लैके कांग्रेस पार्टी विच खुशी दी लहर पाई जा रही है, जिस दे तहत पहली बार होया कि 70 साल दरमियान नाभा नगर कौंसल दे दूसरी बार प्रधानगी दा अहुदा रजनीश मित्तल शैटी ने अज नगर कौंसल विच कैबिनेट मंत्री पंजाब साधु सिंह धर्मसोत दी अगवाई विच प्रधान दा अहुदा संभालिया। इस मौके कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने प्रेस नाल गल करदे हुए कहा कि कोरोना वायरस देश अंदर भयानक रूप धारण करता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चाहिए है कि देश अंदर आ रही ऑक्सीजन की कमी नूं जल्द पूरा किया जाए ताकि कीमती जाना बचाई जा सकन। उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री ने ना कि बीजेपी के, जो नरेंद्र मोदी वालों बंगाल में रैलियां की जा रही ने यह काम प्रधानमंत्री का नहीं, होर भी लीडर जा सकते हैं। धर्मसोत ने कुंवर विजय प्रताप के बोलते हुए कहा कि वह तो इकले ही काम करते हैं, उन्होंने तो अपने अफसरों की भी नहीं मनी, अपनी मर्जी नाल अस्तीफा दिता है। सिखा नूं अतवादी ते वक्खवादी कहा जाता है, जिसका जवाब देंदिया धर्मसोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दरमियान जो सिखा नूं अतवादी ते वक्खवादी कहा गया सी, वह मुरली कतार विच आ के मदद कर रहे हैं। आम पार्टी वालों बिजली दरां नूं लैके लगातार कांग्रेस सरकार खिलाफ मोर्चा खोलन ते धर्मसोत ने कहा कि आम पार्टी का सिर्फ काम कावा रोली पाउणा है। इस मौके पर नगर कौंसल के प्रधान रजनीश मित्तल शेट्टी ने कहा कि सानू दूजी बार नगर कौंसल प्रधान का अहुदा मिलन से मैं शहर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि विकास के कामों को देखते हुए मैं दूजी बार प्रधान चुनिया गया है। मैं हाईकमांड का मंत्री धर्मसोत का धन्यवाद किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की कौंसलर ममता मित्तल ने कहा कि असी बहुत खुश हाँ कि जो विकास के मुद्दे पर चोन लड़ी सी उसके मद्देनजर अज रखते हुए दूजी बार रजनीश मित्तल शेट्टी नूं प्रधान निवाजा गया है। नाभा तो तरुण मेहता की रिपोर्ट। ये प्रधानगी जी दिती है शहर के लोगों ने, पहला तो उन्होंने बिना मुकाबला जेतू करार दिता, उन्हों की मैसेज दिती है और कांग्रेस पार्टी बहुमत मिलया, दो तिहाई बहुमत, और सारिया ने फैसला करके MC साहबान ने संटू जी नूं, ईवन कि अपोजिशन ने भी जो 5-6 मैंबर से उन्होंने भी सर्वसम्मति दे नाल प्रधान बनाया, और अज उन्होंने ज्वाइन कराने वास्ते रस्मी तौर पर मैं आया सी सिर्फ MC बुला के, तो वह मैं 2 मिनट ला के हूँ उन्होंने ज्वाइन करा के चलिया। देश के लगातार ऑक्सीजन की कमी आ रही है, नरेंद्र मोदी के कह रहे थे कि असं सारे पूरे कर लिए, कि देख रहे थे बिल्कुल मोदी साहब न दिन रात करके हिंदुस्तान के लोगों की राखी करनी चाहिए है। आप बंगाल दिया चोणा की होर की ये प्राइम मिनिस्टर का कम नहीं है रैलियाँ करना, उपर उन्होंने पार्टी के बंदे होर हो रैलियाँ रूलियाँ कर लैन, उन्होंने देश में देखना चाहिए, पार्टी में देखने वास्ते उन्होंने नड्डा है होर है ने प्राइम मिनिस्टर सारी हिंदुस्तान के लोगों के ने, ना कि कल BJP अतवादी वक्खवादी कह के लाया जाता, जबकि लंगर कनियो भी ऑक्सीजन कनियो भी होना। मेरी गल सुनो, जेड़े जेड़े अखवादी वक्खवादी वह कहते हैं वह मूर्ख बंदे ने, कायर बंदे ने, सिख हमेशा दुख तकलीफ के देश नाल खड़े ने, कुरबानियां देने वास्ते अगे आते हैं, देश की आज़ादी सब तो वड्डा मुल, सब तो वड्डा योगदान सिखां दा है, पंजाबियां दा। कैबिनेट की मीटिंग है जो उस रिव्यू हो सकता है, इससे हाँ जी कोरोना से लेकर चर्चा हो सकती है, जी कमी आ रही है पंजाब में बिल्कुल, कैबिनेट जी जाके पता लगेगा कि इशू नूं मैं चलिया। पार्टी लगातार कांग्रेस नूं घेर रही है बिजली दरां दे वधाते नूं लैके, कि हाँ जी अफसर तो आप ही थले अफसर क्यों भजया भजना चाहिए। मैं पहले तो बहुत ही धन्यवादी हाँ साडे सरदार साहब सिंह धर्मसोत जी कैबिनेट मंत्री पंजाब के, पूरी कांग्रेस हाईकमांड का, तो सारी कौंसल साहबाना का, तो सारी नाभा निवासियों का, जिन्होंने मेरे जमुड़ तो यह विश्वास प्रकट किया, मेरे परिवार सदा रिणी रहेगा, तो विश्वास दवाना कि जिस विश्वास के नाल जिस तरह असी पहला काम किया उस तरीके असी जो नगर कौंसल नाभा दे विच जो साडे शहर के अधूरे काम ने उन्होंने जंगी पद्धर से पूरे करांगे, तो 2022 के जो विधानसभा दी चोणां आ रही ने
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਭੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦਿਖੇ। ਰਿਆਸਤੀ ਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਭਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੁਲੱਦੀ ਗੇਟ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਡੰਪ ਹੈ ਡੰਪ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੋ LED ਲਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਲਾਈਟਸ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।